हनुमान जी भारत में युवाओं के लिए प्रेरणा और शक्ति का एक अद्वितीय स्रोत हैं। उनके असाधारण गुण जैसे शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, विनम्रता और समर्पण युवाओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ और उनकी पूजा करने से व्यक्तियों को इन गुणों को प्राप्त करने और अपने जीवन में उन्हें प्रकट करने में मदद मिलती है। प्राण शक्ति में वृद्धि, जो हनुमान जी की पूजा का एक महत्वपूर्ण लाभ है, व्यक्तियों को अपने जीवन में सफल होने और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास और साहस प्रदान करती है। भारतीय पौराणिक कथाओं में हनुमान जी को सर्वव्यापी रूप से पूजे जाने वाले देवताओं में से एक माना जाता है, जिनके मंदिर देश के लगभग हर गांव और शहर में पाए जाते हैं। उनकी युवाओं के बीच अत्यधिक लोकप्रियता उनकी असाधारण शक्ति, बुद्धि और ज्ञान के भंडार के कारण है। माना जाता है कि हनुमान इन सभी गुणों के दाता हैं, जो युवाओं के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। हनुमान चालीसा, गुणों को प्राप्त करने का एक शक्तिशाली मार्ग। हनुमान चालीसा, जो तुलसीदास द्वारा रचित एक प्रसिद्ध भक्ति रचना है, हनुमान के सभी गुणों को प्राप्त करने का एक शक्तिशाली साधन माना जाता है। इसकी प्रत्येक चौपाई एक मंत्र के रूप में कार्य करती है, जो विभिन्न स्थितियों में व्यक्तियों को लाभ प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, पहली चौपाई श्री गुरु चरण सरोज रज व्यक्तियों को अंधकार और अज्ञानता को दूर करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। दूसरी चौपाई निश्चय करूं दासत्व में व्यक्तियों को हनुमान के प्रति समर्पण और भक्ति विकसित करने में मदद करती है। तीसरी चौपाई अंजनी लाल केजरी बंधन व्यक्तियों को हनुमान की शक्ति और साहस प्राप्त करने में मदद करती है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ व्यक्तियों को हनुमान के गुणों को आत्मसात करने और अपने जीवन में उन्हें प्रकट करने में सक्षम बनाता है। यह उन्हें आत्मविश्वास, साहस, बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। प्राण शक्ति, हनुमान जी की पूजा का एक महत्वपूर्ण लाभ। हनुमान जी को प्राण देवता माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उनकी पूजा करने से प्राण शक्ति बढ़ती है। प्राण शक्ति वह जीवन शक्ति है जो सभी जीवित प्राणियों को जीवित रखती है। बढ़ी हुई प्राण शक्ति व्यक्तियों को भय, अविश्वास और संदेह को दूर करने में सक्षम बनाती है, जिससे उनमें असाधारण कार्य करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। हनुमान जी की पूजा में शामिल अनुष्ठान जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना और मंदिरों में उनकी मूर्तियों की पूजा करना प्राण शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं। नियमित अभ्यास से व्यक्ति अपने जीवन में अधिक शक्तिशाली, सकारात्मक और आत्मविश्वासी बन सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मा की ऊर्जा महसूस होती है और मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है। हनुमान जी की पूजा का एक महत्वपूर्ण लाभ है कि यह व्यक्ति को धैर्य, साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति को आत्मा की ऊर्जा महसूस होती है और उसकी मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है। यह पूजा शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करती है और नकारात्मकता से दूर ले जाती है। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा से संकट और दुखों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति की जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। इस तरह हनुमान जी की पूजा एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रथा है, जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिरता देती है। इस आध्यात्मिक प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से व्यक्ति को विचार शक्ति, स्वस्थ रिश्तों में सुधार और उच्च स्तरीय ईमानदारी की भावना प्राप्त होती है। इस पूजा का लाभ ध्यान में स्थिरता और आनंद की अनुभूति भी होती है, जो व्यक्ति की जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। गुरुदेव के श्री चरण कमलों की पराग रूपी रज के द्वारा अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर, विकार रहित कर, रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो हमें चारों पुरुषार्थ का फल देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। स्वयं को बुद्धि और बल में कमजोर जानकर मैं पवनसुत हनुमान जी का स्मरण करता हूँ, जो मुझे बल, बुद्धि और सभी विद्याएं देकर हमारे सभी क्लेश और विकार दूर करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा। श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आप ज्ञान के भंडार और सभी गुणों के सागर हैं। वानरों में श्रेष्ठ
आपकी ख्याति तीनों लोकों में व्याप्त है। आप राम जी के दूत हैं, अप्रमेय बलवान हैं, माता अंजनी के पुत्र हैं और पवन पुत्र नाम से भी प्रसिद्ध हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हे बजरंग बली, आप महावीर हैं और आपका पराक्रम अद्भुत है। आप हमारी दुष्ट बुद्धि को दूर कर देते हैं और अच्छी बुद्धि सुमति वालों के साथ सदा रहते हैं। आपकी त्वचा सुनहरी है और आपने सुंदर वस्त्र धारण किए हैं। आपके कानों में कुंडल हैं और आपके बाल घुंघराले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय, शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। आपके हाथों में वज्र गदा और धर्म की ध्वजा है और दाहिने कंधे पर मूंज का जनेऊ शोभित है। आप शंकर जी के अवतार और वानर राज केसरी के पुत्र हैं और आपके प्रताप की कोई सीमा नहीं है। आपकी वंदना संपूर्ण जगत करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप सभी विद्याओं के आधार हो, गुणवान हो और सभी कार्य बड़ी चतुराई से करने वाले हो। भगवान राम के काम को करने के लिए आप सदैव तत्पर रहते हो। आप भगवान की लीला कथाओं का प्रेम से सुनते हैं और आपके हृदय में राम लक्ष्मण और सीता जी सदैव रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आप सीता जी के सम्मुख छोटे रूप में प्रकट हुए और आपने भयानक रूप लेकर लंका को जला दिया। भयंकर बलशाली रूप लेकर आपने असुरों का संहार किया और इस प्रकार भगवान राम के कार्य संपन्न किए। लाए सजीवन लखन जाए, श्री रघुबीर हर्षि उरलाए, रघुपति कीन ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की जान बचाई, जिस पर भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर आपको हृदय से लगा लिया। भगवान श्री राम ने आपको भरत के समान प्रिय भाई बताकर आपकी बहुत प्रशंसा की। साहस बदन तुम्हारो जस गावें, अस कही श्रीपति कंठ लगावें, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, हजारों मुख वाले शेषनाग तुम्हारे यश का गान करेंगे, ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने आपको हृदय से लगाया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार आदि ऋषि मुनि ब्रह्मा जी, नारद जी, माँ शारदा और शेषनाग आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिखपाल जहाँ थे, कभी कोबित कही सके कहाँ थे, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। यम कुबेर सभी दिखपाल कभी पंडित विद्वान, ये कोई भी आपके यश का गान पूरी तरह नहीं कर सकते हैं। आपने सुग्रीव पर उपकार किया, उनको श्री राम से मिलाया और उन्हें राज्य दिलाया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। इसी प्रकार आपके दिए हुए मंत्र उपदेश का पालन कर विभीषण भी लंका के राजा हो गए। सूर्य के युग के हजार योजन पर स्थित होने पर भी आप बालपन में ही उसे एक मीठा लाल फल समझकर निकल गए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्द ही लांघी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। आप प्रभु श्री राम के द्वारा दी हुई अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र को पार कर गए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। संपूर्ण जगत के लिए जो दुष्कर कार्य है वे आपकी कृपा से सहजता से हो जाने वाले हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री राम जी के द्वार के आप रखवाले हैं, आपकी आज्ञा के बिना कोई आगे नहीं जा सकता। अर्थात प्रभु श्री राम के दर्शन आपकी आज्ञा आशीष से ही सुलभ है, आपकी शरण में आते ही सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। भगवान हनुमान की सर्वोच्चता पंक्ति और देवता चित्त न धरई बताती है कि भगवान हनुमान अन्य सभी देवताओं से श्रेष्ठ हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य देवता कम महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह हनुमान जी की अद्वितीय स्थिति और भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति को रेखांकित करता है। हनुमान जी राम जी के सबसे भक्त भक्तों में से एक हैं और उनकी भक्ति इतनी तीव्र है कि वे अन्य देवताओं को भी भूल जाते हैं। सर्व सुख का दाता पंक्ति हनुमत से ही सर्व सुख करे, भगवान हनुमान को सर्व सुख के दाता के रूप में वर्णित करती है। उनका नाम ही हनु, तोड़ना और मान अभिमान से बना है, जो उनके अहंकार और बाधाओं को दूर करने की शक्ति का प्रतीक है। भक्त जो हनुमान की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में सुख समृद्धि और सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है।